नारी तुम दुर्गा हो, नारी तुम काली हो, नारी तुम शक्ति हो, नारी तुम जननी हो, नारी तुम भाग्य विधाता, फिर भी क्यों एक दिन के सम्मान के ही हकदार हो। नारी घर की शोभा हो, तुमसे हर घर रोशन है, तुम बिन घर सोना है, तुमसे ही मान और सम्मान है, फिर भी क्यों एक दिन के सम्मान की ही हकदार हो। बदल जाती है जिंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई तुम्हारा, तुम्हारे सामने तुम्हारा नहीं होता। जीवन का इम्तहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की मार, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। वैदिक काल से हमारा भारत देश नारी सम्मान, नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखने को कहता आया है। सनातन परंपराओं से ओतप्रोत नारी चेतना को बार बार प्रतिष्ठापित करता रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास को एक बार देखें तो पता चलता है कि महिलाओं को आदरपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है और मनुस्मृति में भी इसके महत्व के बारे में कहा गया है। कहते हैं कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहां इनका अनादर होता है वहां के सभी काम असफल हो जाते हैं। मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि नारी ही समाज का आधार है। जैसे बिना भूमि में कोई पेड़ पौधा नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही बिना नारी के कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। जिस घर में महिलाओं के साथ बुरी तरह से बात की जाती है या उनका सम्मान नहीं किया जाता, ऐसे घर में भगवान नहीं रहते। स्त्रियों का सम्मान न करने वाले व्यक्तियों को हर समय किसी न किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने घर की स्त्रियों के साथ हर समय प्रेम और आदर से व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके साथ भी कुछ गलत व्यवहार होता है, आपको वो मान सम्मान नहीं मिलता, आपकी कमजोरी का हर समय फ़ायदा उठाया जाता है, आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप ऐसी परिस्थिति का सामना कर सकें, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको सावन के इस पवित्र महीने में एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे बहुत आसानी से आप अपनी इमेज घर में बना सकती हैं। आपका मान सम्मान आपको ज़रूर मिल सकता है। घर के सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे और आपको वैल्यू देंगे। आपको करना क्या है, आपको सारे दिन में जब भी समय मिले आप माँ पार्वती, माँ दुर्गा के इन तीन नामों का स्मरण कर सकती हैं और अपनी परेशानी माँ के सामने रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको हर समस्या से निजात मिलने लगेगी। और वो तीन नाम है सत्यानंद स्वरूपिणी, यानी अनंत आनंद का रूप, जिसमें हर इंसान जाकर इस परम आनंद में खो जाता है। अनंता, जिनके स्वरूप का कोई अंत ना हो, जहाँ से शुरू हो वहीं अंत हो और जहाँ अंत हो वहीं से शुरू हो। भाविनी, जो सबको उत्पन्न करने वाली है। इन तीन नामों में ही एक नारी की कई शक्ति छिपी हुई है, नारी का सम्मान छिपा हुआ है। आप किसी भी दिन से इन तीन नामों का स्मरण करना शुरू कर दीजिए और अपना मान सम्मान वापस हासिल कर लीजिए।